हेलो क्लास, नाउ वी विल स्टार्ट चैप्टर 3 इन साइंस। चैप्टर 3 है रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स, जंतुओं का प्रजनन। प्रजनन मींस क्या होता है? रिप्रोडक्शन, इसका मतलब हुआ कि एनिमल अपने जैसे बच्चों को जो जन्म देता है उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन, है ना। सिर्फ जंतु ही नहीं, जितने भी सजीव हैं सभी रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। लेट्स नो, चलिए जानते हैं अबाउट द रिप्रोडक्शन इन एनिमल। जंतुओं में प्रजनन के बारे में जानेंगे। अबाउट द नीड ऑफ प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का नीड क्या है, है ना, यानी प्रजनन की क्या आवश्यकता होती है। अबाउट द वेज ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का तरीका क्या है ना, प्रजनन किस तरह से होता है। अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ डिफरेंट इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड फिशेस। डिफरेंट इंसेक्ट, अलग अलग कीट पतंग, पक्षियों और मछलियों में लाइफ साइकिल किस तरह का होता है ना, जीवन चक्र कैसे चलता है उसका। अबाउट द पैरेंटल केयर ऑफर्ड बाय एनिमल्स एंड बर्ड, एनिमल और बर्ड्स अपने बच्चों की देखभाल कैसे करते हैं, है ना, ये हम लोग पढ़ेंगे। ऑल लिविंग थिंग्स गिव बर्थ, ग्रो, गेट ओल्ड एंड फाइनली डाई। ऑल लिविंग थिंग्स यानी जितनी भी सजीव चीजें हैं जिसमें जान होती है, वो जन्म लेता है, वृद्धि करता है यानी बढ़ता है, गेट ओल्ड बूढ़ा हो जाता है और अंत में वो मर जाता है। जितने भी सजीव चीजें हैं जिसमें जान होती है, वो जन्म लेता है, बढ़ता है, है ना, बड़ा होता है और एक दिन मर जाता है। अ डॉग गिव्स बर्थ टू अ लिटिल पपी, कुत्ता एक पपी को जन्म देता है ना, पिल्ले को जन्म देता है। द प्रोसेस बाय विच लिविंग बींग्स प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी जीव, है ना, अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता हो, है ना, अपने जैसे बच्चों को जन्म देता हो, वो कहलाता है रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन। डिफरेंट एनिमल्स रिप्रोड्यूस इन डिफरेंट वेज, अलग अलग प्रकार के जंतु अलग अलग तरीकों से प्रजनन करते हैं ना, रिप्रोडक्शन करते यानी अपने बच्चों को जन्म देते हैं। Why animals reproduce? Animals reproduce क्यों करते हैं ना, प्रजनन क्यों करते हैं। By reproducing, a living thing can be sure that there is another individual of its kind to take its place when it dies. Reproduction के द्वारा, है ना, प्रजनन के आधार पर कोई भी living thing, है ना, कोई भी सजीव चीज ये sure होता है कि जब वो मरेगा तो वो अपने जैसे दूसरे की उत्पत्ति करेगा, है ना। अगर ऐसा नहीं करेगा तो फिर क्या होगा, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। वो अपने अस्तित्व के लिए अपने ऐसे बच्चों को जन्म देता है। लाइफ वुड नॉट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ इफ लिविंग थिंग डू नॉट रिप्रोड्यूस, अगर रिप्रोड्यूस नहीं होगा, प्रजनन नहीं होगा, तो जीवन की हम लोग कल्पना पृथ्वी पर नहीं कर सकते हैं, है ना। हाउ एनिमल रिप्रोड्यूस, एनिमल कैसे प्रजनन करते हैं, है ना, जंतु प्रजनन कैसे करते हैं। ऑल एनिमल्स डू नॉट रिप्रोड्यूस इन द सेम वे, जितने भी जंतु है वो सेम तरीके से रिप्रोड्यूस नहीं करते, ना प्रजनन एक ही तरीके से नहीं करते हैं। एनिमल्स कैन बी ग्रुप्ड इन टू कैटेगरीज, जंतुओं को दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है। एनिमल्स विच ले एग्स आर कॉल्ड एग लेइंग एनिमल्स, जंतु जो अंडे देते हैं वो एग लेइंग एनिमल कहलाते हैं, है ना, अंडे देने वाले जंतु। एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड लाइव बियरिंग एनिमल्स, और जंतु जो अपने जैसे बच्चों को जन्म देता है वो क्या कहलाते हैं, लाइव बियरिंग एनिमल्स, है ना, यानी जन्म देने वाले जंतु। एग लेइंग एनिमल्स, अंडे देने वाले जंतु। बर्ड्स, इंसेक्ट्स, फ्रॉग्स, स्नेक्स, लिजार्ड्स, स्नेल्स एंड फिश
ले एग्स। अंडे कौन कौन देते हैं? बर्ड्स, जितने भी कीट पतंग है वो भी अंडे देते हैं। फ्रॉग, स्नैक, लिजार्ड, स्नेल और फिश, ये सभी क्या करते हैं? अंडे देते हैं। द बेबी कम्स आउट ऑफ द एग, उनके बच्चे एग से बाहर आते हैं ना, अंडे से बाहर आते हैं। अ बेबी चिक वुड कम आउट फ्रॉम अ हैंस एग्स, ए अ बेबी चिक, एक चिक जो होता है ना चूजा, वो हैन के एग से बाहर आता है, ठीक है। मुर्गी जो अंडे देती है उसी अंडे से चूजा बाहर आता है ना, वो बेबी चिक होता है ना, यानी मुर्गी का बच्चा। एनिमल्स दैट कम आउट फ्रॉम द एग्स स्टार्ट देयर लाइव आउटसाइड द बॉडीज ऑफ देयर मदर्स। एनिमल्स दैट कम, जंतु जो अंडे से बाहर आते हैं वे अपना जीवन कैसे शुरू करते हैं? लाइफ आउटसाइड द बॉडीज ऑफ देयर मदर, अपने मम्मी के बॉडी है ना, यानी अपने माँ के बॉडी से बाहर आने के बाद वो अपना ग्रो शुरू करते हैं, बढ़ते हैं ना, क्योंकि जब उनके माँ अंडे देती है तो अंडे जब बाहर आते हैं उसके बाद उसका जीवन शुरू होता है, अंडे में वो बढ़ता है उसके बाद वो बाहर आता है ना। बर्ड्स, पक्षी, फीमेल बर्ड्स ले एग्स, जो फीमेल बर्ड होती है ना, मादा चिड़िया वो अंडे देती है। बर्ड्स मेक नेस्ट टू ले एग्स, बर्ड्स नेस्ट क्यों बनाते हैं? घोंसला अंडे देने के लिए, है ना। अ फीमेल बर्ड ले जनरली 1 to 17 एग्स एट अ टाइम, जो फीमेल बर्ड होती है वो जनरली कितने अंडे देती है? 1 to 17 अंडे वो एक बार में देती है। अ बर्ड्स एग हैज अ हार्ड आउटर सेल, बर्ड का जो एग होता है, पक्षी का जो अंडा होता है वो बाहर से सख्त होता है। इट हैज येलो यॉक विच इज सराउंडेड बाय व्हाइट एल्बुमिन, इट हैज येलो यॉक, उसमें पीली जर्दी होती है। जब हम लोग अंडे के तोड़ते हैं तो अंदर में पीला पीला दिखता है, वो पीली जर्दी होती है ना, जो व्हाइट एल्ब्यूमेन से कवर रहता है ना, चारों ओर उसके सफेद सफेद क्या होता है, कोई चिपचिपा पदार्थ होता है, देखे हैं, उसको एल्ब्यूमेन कहते हैं। द व्हाइट स्पॉट ऑन द योक इज द डेवलपिंग चीक और द एम्ब्रियो, चीक और एम्ब्रियो एक ही चीज है ना। चीक किसको बोलते हैं? तो चूजे को, है ना, पक्षी के बच्चे को बोलते हैं चीक। द व्हाइट स्पॉट ऑन द योक, योक में यानी जर्दी में जो सफेद सफेद धब्बा होता है वही डेवलप होके क्या बनता है? चीक बन जाता है, मतलब पक्षी का बच्चा। द योक प्रोवाइड्स फूड फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो, एम्ब्रियो यानी कि चीक, चीक को डेवलप करने के लिए ना, यानी चीक को बढ़ने के लिए योक जो है जर्दी उसको फूड प्रोवाइड करता है, खाना देता है ना, ये योक ही खाना देता है, उसी से एम्ब्रियो क्या होता है, वृद्धि करता है, चीक है सो डेवलप करता है। द चीक ट्विस्टेड पार्ट्स इन द एल्ब्यूमेन होल्ड द योक इन प्लेस, वो जो व्हाइट कलर का एल्ब्यूमेन होता है वही योक को होल्ड करके रखता है ना, मतलब जर्दी को पकड़ के रखता है, मतलब चारों ओर ढक के रखता है। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट द चीक फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस, कोई भी बाहरी डिस्टर्बेंस से उसकी रक्षा करता है चीक को, कौन? एल्ब्यूमेन, है ना। आफ्टर 20 days, 20 दिनों के बाद ऑल द फूड इज यूज्ड अप, जितना भी खाना होता है ना योक के द्वारा दिया गया वो 20 दिन में खत्म हो जाता है, यानी खा लिया जाता है बच्चे के द्वारा। देन द चीक इज रेडी टू लाइव आउटसाइड द सेल, उसके बाद 20 दिनों के बाद जो चीक होता है वो बाहर आने के लिए तैयार हो जाता है ना सेल से, यानी अंडे से बाहर आने के लिए वो तैयार हो रहता है। द एम्ब्रियो डेवलप्स ओनली व्हेन द एग गेट्स वार्म, एम्ब्रियो कब डेवलप करता है, जो चीक होता है बच्चा वो डेवलप वृद्धि कब करता है, जब एग गर्म होता है ना, अंडा को गर्म किया जाता है। द पैरेंट बर्ड सिट्स ऑन द एग टू वार्म इट, अंडे को गर्म करने के लिए जो बर्ड का पेरेंट्स है वो उसमें बैठ जाता है। दिस इज कॉल्ड इनक्यूबेशन,
इस प्रक्रिया को इंक्यूबेशन बोलते हैं, यानी सेना है ना, सेती है अंडे को। व्हेन द चिक कम्स आउट ऑफ द एग, जब चिक बाहर आता अंडे से, बाय ब्रेकिंग द सेल इट इज कॉल्ड हैचिंग। जब अंडे को तोड़कर चिक बाहर आता है उसको क्या बोलते हैं, हैचिंग बोलते हैं ना। इस तरह से देखो प्रक्रिया है, ठीक है। अंडे के अंदर इस तरह से पीली जर्दी होती है और व्हाइट व्हाइट क्या होता है, एल्ब्यूमेन होता है ना, वो धीरे धीरे बढ़कर ऐसा होता है, फिर उसमें चिक तैयार हो जाता है, वो अंडे तोड़कर बाहर आ जाता है ना, फिर जब ये बड़ा हो जाता है तब पक्षी बड़ा पक्षी बन जाता है ना। इंसेक्ट्स, कीट पतंग है ना, इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, कॉकरोचेज, मॉस्किटोज एटसेट्रा ऑल्सो ले एग्स। ये जो कीट पतंग है, तितली, मक्खी, कॉकरोच, मच्छर, ये सभी क्या करते हैं, अंडे देते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ अ कॉकरोच, कॉकरोच का लाइफ साइकिल यानी कि तिलचट्टे का जीवन चक्र, इट हैज थ्री स्टेज, इसका तीन स्टेज होता है ना, कैसे कैसे जन्म लेता है और कैसे उसका मृत्यु होता है, वो उसका तीन स्टेज होता है। एग, निम्फ एंड एडल्ट, पहले अंडे देता है, फिर निम्फ में बदलता है, फिर वो एडल्ट यानी बड़ा हो जाता है। अ कॉकरोच लेज एग्स ऑन पेपर्स, बुक्स, क्लॉथ्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स दैट आर कैप्ट इन डार्क प्लेस। कॉकरोच अंडे किसमें देता है, पेपर में, बुक्स में, क्लॉथ्स में है ना, या फिर कोई ऐसा चीज जो अंधेरे में रखी हुई हो है ना, वहां पर वो अंडे देता है। द बेबी कॉकरोच दैट कम आउट ऑफ एग इज कॉल्ड अ निम्फ। जब अंडे से कॉकरोच का बच्चा बाहर आता है तो उसको क्या बोलते हैं, निम्फ बोलते हैं। इट लुक्स लाइक एडल्ट बट अ स्मॉल इन साइज, यह बड़ा कॉकरोच के समान ही होता लेकिन साइज में वो छोटा होता है, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है। पहले अंडे देता है, अंडे से इस तरह होता है, ये कॉकरोच जैसा ही है लेकिन वो कॉकरोच के साइज में छोटा होता है, उसको बोलते हैं निम्फ, ठीक है। इट लुक्स लाइक एडल्ट बट अ स्मॉल इन साइज, एज इट ग्रोज, जब यह बढ़ता है, इट शेड्स इट्स स्किन मेनी टाइम्स, इसका जो स्किन होता है वो बहुत बार क्या होता है, झड़ता है। दिस प्रोसेस ऑफ शेडिंग ऑफ इट्स ओन स्किन टिल अ निम्फ बिकम्स एन एडल्ट इज कॉल्ड मॉल्टिंग। उसके स्किन जो अपना बाहरी आवरण जो झड़ता है बार बार और उसके बाद वो एडल्ट बन जाता है ना, बड़ा तिलचट्टा, उसको बोलते हैं मॉल्टिंग, ठीक है ना। लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई एंड अदर इंसेक्ट्स। बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई और भी अदर इंसेक्ट है, उसका जीवन चक्र कैसे चलता है ना। इंसेक्ट्स लाइक हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, ग्रास हॉपर एटसेट्रा रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। ये सब जो कीट पतंग है ना, बटरफ्लाई, ग्रास हॉपर, हाउस फ्लाई, ये भी क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस के लिए अंडे देते हैं ना, प्रजनन के लिए वो अंडे देती है। द एग्स हैव अ हार्ड कवरिंग और सेल मेड ऑन केटिन। ये उनका जो अंडा होता है उसके बाहरी आवरण क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, ऊपर से बहुत सख्त बना होता है ना, जो केटिन का बना होता है ना, काइटिन से बना होता है। दिस प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एग इनटू यंग वन हैज फोर स्टेज। फोर स्टेज के बाद उसमें से उनका बच्चा तैयार हो जाता है। व्हेन द एग इज हैच्ड, जब अंडे को तोड़ा जाता है, अ टाइनी विगलिंग क्रेचर कम्स आउट ऑफ इट, उसमें से एक छोटा सा जीव बाहर निकलता है, इट इज कॉल्ड लार्वा, ठीक है ना। जब छोटा सा जीव बाहर निकलता है उसको लार्वा बोलते हैं। इट इज वेरी एक्टिव, फीड्स ऑन लीव्स एंड ग्रोज ऑन, यह बहुत एक्टिव होता है और पत्तियों को खाता है ना, और फिर बढ़ता है। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, इट स्टॉप्स फीडिंग एंड मेक्स अ सिल्केन कवरिंग कॉल्ड कोकून अराउंड इटसेल्फ। उसके बाद क्या करता है, फीडिंग ऑन मेक्स अ सिल्केन कवरिंग, उसके ऊपर में चारों ओर सिल्केन कवर हो जाता है ना, सिल्क से कवर हो जाता है।
जो कहलाता है कोकून, है ना। दिस स्टेज इज कॉल्ड प्यूपा, यह स्टेज क्या कहलाता है, प्यूपा, है ना। पहले एग होता है, ठीक है, उसके बाद लार्वा बनता है, लार्वा से फिर प्यूपा, है ना। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद कोकून्स बर्स्ट एंड अ लवली बटरफ्लाई कम आउट, उसके बाद जो कोकून है वो ब्रस्ट हो जाता है ना, टूट जाता है, उसके बाद उसमें से एक प्यारा सा तितली बाहर आता है। दिस प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लार्वा टू एन एडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस, उसके बाद उसमें से जो भी एडल्ट लार्वा से होके बाहर आता है एडल्ट तक, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। द लार्वा ऑफ बटरफ्लाई एंड हाउस फ्लाई आर कॉल्ड कैटरपिलर एंड मैगोट रिस्पेक्टिवली, उसके बाद बटरफ्लाई और हाउस फ्लाई क्या कहलाता है, कैटरपिलर कहलाता है एंड मैगोट रिस्पेक्टिवली, यानी कि बटरफ्लाई कहलाता है कैटरपिलर और हाउस फ्लाई कहलाता है मैगोट, है ना, लार्वा से जो बाहर आता है, ठीक है। ये आप चित्र देख सकते हैं, है ना, एग से लार्वा हुआ, लार्वा से प्यूपा और प्यूपा से एडल्ट बटरफ्लाई, उसी तरह से एग से क्या हो गया, मैगोट, और मैगोट से एडल्ट हाउस फ्लाई तैयार हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग रेप्टाइल्स के बारे में जानेंगे ना, रेप्टाइल्स क्या होता है, जो जीव रेंगते हैं उसको रेप्टाइल्स बोलते हैं। लिजार्ड, स्नेक, टर्टल एंड टोर्टोइजेस आर ऑल आर रेप्टाइल्स, ये सभी जंतु क्या है, रेप्टाइल है, मतलब रेंगने वाले जीव है, क्या क्या, लिजार्ड, स्नेक, टर्टल, टोर्टोइज सब रेप्टाइल है। दे डू नॉट टेक केयर ऑफ देयर एग्स, ये अपने अंडों को केयर नहीं करता है ना, देखभाल नहीं करता है। द एग्स आर हैच्ड बाय द वार्मथ ऑफ द सन, उसके अंडे सूर्य की गर्मी से ही अपने हैच होते हैं ना, टूटते हैं। द यंग वंस आर एक्टिव एंड स्टार्ट मूविंग इन सर्च ऑफ फूड, इतना एक्टिव होता है उनके बच्चे कि जन्म लेता है और भोजन की तलाश में इधर उधर घूमने लगता है। देयर एग सेल आर थिक लाइक लेदर सो दैट दे डू नॉट ब्रेक व्हेन दे आर लेड ऑन लैंड, जब जमीन में उनके अंडे होते हैं उसको कोई भी तोड़ नहीं सकते हैं, है ना, क्योंकि उसका जो सेल होता है वो बहुत ही थिक मोटा होता है ना, लेदर के समान का। मेनी एग्स एंड यंग वंस आर ऑल्सो इटन अप बाय द अदर एनिमल्स, मेनी एग्स, बहुत सारे अंडे या उनके बच्चे जो होते हैं वो दूसरे जंतुओं द्वारा खा लिए जाते हैं, ठीक है। अ मदर क्रोकोडाइल गार्ड इट्स एग्स, जो मदर क्रोकोडाइल होती है यानी मगरमच्छ के जो माँ होती है वो अपने अंडे को गार्ड करती है, देखभाल करती है। व्हेन द यंग वंस हैच, जब उनके बच्चे बाहर निकलते हैं, इट कीप्स देम इन इट्स माउथ एंड कैरीज देम टू वाटर, वो अपने मुंह में पकड़कर उसको पानी में छोड़ देता है, ठीक है ना। इस तरह देखिए, अंडे दिया हुआ है, फिर ये लिजार्ड, ये भी अंडे से स्नैक इस तरह तैयार होता है, ठीक है ना। लिजार्ड एंड स्नैक विद देयर एग, अपने अंडों के साथ लिजार्ड और स्नैक, ठीक है। अब है फ्रॉग्स, है ना, मेढक। अ फ्रॉग अंडर गोज मेनी चेंजेस अंटिल इट रीचेज द एडल्ट स्टेज, जब तक वो एडल्ट स्टेज तक पहुंचता है क्या होता है, अ फ्रॉग अंडर गोज मेनी चेंजेस, फ्रॉग में बहुत सारा चेंजिंग होते बदलाव होते रहता है जब तक वो एडल्ट पहुंचता है तब तक। अ फ्रॉग इज एन एम्फीबियन, फ्रॉग क्या है, एम्फीबियन, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, एम्फीबियन किसको बोलते हैं, जो जमीन में भी रह सकता है और पानी में भी, है ना, उसको बोलते हैं एम्फीबियन, है ना। इट स्पेंड्स द अर्ली पार्ट्स ऑफ इट्स लाइफ इन वाटर, सबसे पहले उनका लाइफ शुरू होता है पानी में, ठीक है। एज इट ग्रोज ऑल्डर इट ऑल्सो स्पेंड्स टाइम ऑन लैंड, और जब यह बड़ा हो जाता है तो अपना जीवन वो भूमि पर ही बिताता है, ठीक है ना। अ फीमेल फ्रॉग लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स एट अ टाइम इन वाटर, जो फीमेल फ्रॉग होता है ना, मादा
मेढक वो लगभग 100 से अधिक अंडे देती है ना एक समय में, और वो कहां देती है, पानी में। एग्स आर प्रोटेक्टेड बाय अ थिक जेली, है ना, मोटी जेली होती है उसके चारों ओर अंडे में, वो उसको प्रोटेक्ट करता है ना, रक्षा करता है उसके अंडे को। दे आर हैच्ड बाय द वार्मथ ऑफ द सन, वे हैच कैसे होते हैं, तो सूर्य की गर्मी से, सूर्य की गर्मी से वो अंडे हैच होते हैं, टूटते हैं। द यंग वन ऑफ अ फ्रॉग दैट कम्स आउट ऑफ द एग इज कॉल्ड टेडपोल, अंडे से जो बाहर आते हैं बच्चे है ना, वो टेडपोल कहलाते हैं। इट हैज अ टेल, उस समय उसका एक पूंछ होता है ना, मेढक का पूंछ होता है, मेढक के बच्चे का, टेडपोल का पूंछ होता है। इट लुक्स लाइक अ फिश एंड ब्रीथ थ्रू गिल्स, जिस तरह मछली होता है उसी तरह से वो टेडपोल दिखता है ना, और वो सांस कैसे लेता है, तो गिल से, जैसे मछलियां सांस लेती है अपने गिल से, उस तरह से मेढक के बच्चे भी गिल से सांस लेते हैं। द हिंड लेग्स ऑफ द टेडपोल अपीयर्स फर्स्ट, सबसे पहले हिंड लेग्स है ना, पिछला जो पैर है वो बढ़ता है। देन द फ्रंट लेग्स अपीयर, उसके बाद आगे का जो पैर होता है वो तैयार होता है। स्लोली द टेल डिसअपीयर्स एंड इट बिकम्स लाइक एन एडल्ट फ्रॉग, और कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे उसका जो टेल होता है, पूंछ होता है, वो गायब हो जाता है ना, एंड इट बिकम्स लाइक एन एडल्ट फ्रॉग, और वो एडल्ट फ्रॉग बन जाता है, बड़ा सा मेढक बन जाता है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट दैट अ फ्रॉग गोज थ्रू इन द लाइफ साइकिल इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस, है ना, प्रोसेस एग से लेकर जब तक वो एडल्ट फ्रॉग में तैयार होता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसका जो जीवन चक्र चलता है उसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, ठीक है ना। नाउ फिश, अब फिश के बारे में जाने ना, मछली, फिश ऑल्सो लेज टाइनी एग्स इन वाटर, फिश भी क्या करता है, छोटे अंडे देता है पानी में। ओनली सम ऑफ देम डेवलप्स इंटू बेबी फिश वाइल अदर आर इटन अवे बाय अदर फिशेस, कुछ ही अंडे डेवलप करते हैं ना, छोटे जो बच्चे फिश होते हैं उसमें कुछ ही डेवलप करते हैं, बाकी अंडे का दूसरे अंडे दूसरे मछलियां खा जाती है, ठीक है। द यंग वंस ऑफ फिश आर कॉल्ड फ्राइज, जो मछली का बच्चा होता है वो फ्राइज कहलाता है ना। अब हम लोग जानेंगे लाइव बियरिंग एनिमल्स, है ना, ऐसे एनिमल जो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं। ह्यूमंस एंड एनिमल्स सच एज काउज, लायंस, कैट्स, एलिफेंट्स गिव बर्थ टू देयर बेबीज, ह्यूमन मनुष्य और जंतु जैसे गाय, शेर, बिल्ली, हाथी, ये सब क्या करते हैं, वे अपने बच्चों को जन्म देते हैं ना। द बेबीज डेवलप इनसाइड द बॉडी ऑफ मदर, ये माँ के बॉडी के अंदर ही डेवलप करता है ना, बच्चे क्या करते हैं, माँ के शरीर के अंदर ही बढ़ते हैं। एंड आर बोर्न व्हेन देयर डेवलपमेंट इज कंप्लीटेड, जब उसका डेवलपमेंट खत्म हो जाता है तब वो क्या करता है, जन्म लेता है। व्हेन द बेबीज आर बोर्न, जब बच्चे जन्म लेते हैं, दे आर वीक एंड हेल्पलेस, वे कमजोर होते हैं और लाचार। व्हेन द बेबीज आर बोर्न दे आर वीक एंड हेल्पलेस, है ना, बच्चों का जब जन्म होता है ना, तो वे कमजोर होते हैं और हेल्पलेस होते हैं, लाचार, वो अपने से कुछ नहीं कर पाते हैं। देयर मदर्स केयर फॉर देम एंड प्रोटेक्ट देम टिल दे लर्न टू लुक आफ्टर देम सेल्व्स, जो मदर होती है ना, ह्यूमंस और एनिमल्स का माँ जो होती है वो बच्चों के देखभाल करते हैं, है ना, और उनकी रक्षा करते हैं, कब तक करते हैं, जब वो सब कुछ खुद से सीख नहीं जाते हैं। दे प्रोड्यूस मिल्क टू फीड देयर ओन बेबीज, वे अपने बच्चों को खाने में दूध पिलाते हैं ना, छोटा बच्चा खाना नहीं खाता है ना, दूध पीता है। सच एनिमल्स आर कॉल्ड मैमल्स, इस तरह के एनिमल जंतु जो होते हैं वो मैमल कहलाते हैं ना, जो जंतु अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं
वो मैमल्स कहलाते हैं। मैमल्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, दैट इज देयर बॉडी टेम्परेचर डज नॉट चेंज विथ द चेंज इन एनवायरमेंट टेम्परेचर। एनवायरमेंट के टेम्परेचर के साथ साथ उनका जो बॉडी टेम्परेचर वो चेंज नहीं होता है ना, बने ही बदलता है ना। मैमल्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल है ना, वो उनका जो खून जो होता है वो हमेशा गर्म होता है और टेम्परेचर के साथ उनका जो बॉडी का टेम्परेचर वो बदलता नहीं है। देयर बॉडी इज कवर्ड विथ हेयर, उसके जो शरीर होता है उसका वो बालों से भरा होता है। ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो मैमल्स, मनुष्य भी मैमल्स ही होता है क्योंकि मनुष्य भी अपने बच्चों को दूध पिलाता है ना। कैंगरूज गिव बर्थ टू यंग वंस एट अ वेरी अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। कैंगरू जो होता है वो अपने बच्चों को कैसे जन्म देता है, एट अ वेरी अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, बहुत जल्द ही जन्म देता है ना। बेबी कैंगरू स्टेज इन इट्स मदर्स पाउच वेयर इट ड्रिंक्स इट्स मदर मिल्क। जब वो अपने माँ का दूध पीते हैं तब तक वो अपने माँ के पाउच में ही रहता है ना। देखिए इस तरह से है ना, अंदर पाउच होता है वहीं पर वो रहता है, ठीक है। तो कैंगरू क्या करता है, अपने बच्चे को अपने पाउच में रखता है और दूध पिलाता है, ठीक है। डॉल्फिन सील एटसेट्रा आर एक्वेटिक एनिमल। डॉल्फिन सील ये सब क्या है, एक्वेटिक एनिमल है ना, यानी जलीय जंतु, पानी में रहने वाला जीव है। मोस्ट मैमल्स लिव ऑन लैंड लाइक जेब्रा गोरिला टाइगर सीप एटसेट्रा। बहुत सारे जो मैमल्स होते हैं वो पानी में न रहकर कहां रहते हैं, जमीन में रहते हैं, जैसे जेब्रा गोरिला टाइगर सीप ये सब जमीन में ही अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है। पेरेंटल केयर है ना, यानी कि पेरेंट्स के द्वारा देखभाल। मेनी एनिमल्स टेक केयर ऑफ देयर बेबीज इवन आफ्टर दे आर बॉर्न। जब बच्चे जन्म लेते हैं तो बहुत सारा जंतु जो है वो खुद से अपने बच्चों का देखभाल करते हैं। द बेबी बर्ड्स दैट हैच आउट ऑफ द एग्स आर नॉट कैपेबल ऑफ फ्लाइंग। जब चिड़िया का बच्चा जन्म लेता है यानी अंडे से जब बाहर आता है तो वो उड़ने के लिए कैपेबल नहीं होता है ना, वो उड़ नहीं पाता है। पेरेंट बर्ड फीड देयर बेबीज, पेरेंट जो बर्ड होता है ना, यानी बर्ड्स माता पिता वो अपने बच्चों को खाने खिलाते हैं। वेन द बेबीज ग्रो बिगर, जब बच्चे बढ़ जाते हैं बड़े हो जाते हैं, द मदर बर्ड्स टीचेस देम टू फ्लाई, जो मादा बर्ड होती है वो क्या करते हैं, उन्हें उड़ने के लिए सिखाती है। मैमल्स सच एज कैट्स डॉग्स काउज मंकीज एंड इवन ह्यूमन बींग्स प्रोटेक्ट देयर यंग वंस। मैमल्स जैसे बिल्ली कुत्ता गाय बंदर और साथ में मनुष्य भी जो है वो अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। दे गिव लव टू देयर यंग वंस, वे अपने बच्चों को प्यार देते हैं। मदर फीड द बेबीज विथ हर ओवन मिल्क, वो अपने बच्चों को कैसे खिलाती है, वो अपने बच्चों को अपना दूध पिलाते हैं। दिस इज कॉल्ड पेरेंटल केयर, और ये पेरेंटल केयर कहलाता है ना, यानी कि माता पिता द्वारा देखभाल, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा कि जितने भी जीव हैं वो सभी अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं और वे जन्म देने के जो तरीके होते हैं उनके वो सभी अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। और वे अपने बच्चों को किस तरह से केयर करते हैं उसके बारे में हम लोगों ने चैप्टर में सीखा। अब नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज है, वो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप से करेंगे, उसे अपनी कॉपी में लिख के याद करेंगे, ओके।